ओए होए क्या बात है मोदी जी, आपके हाथ की बनी चाय की चुस्की लेते ही मजा आ गया। आपने अपने घर पर अपने हाथ से बनाई चाय पिलाने के लिए बुलाया है ये सोचकर ही दिल खुश हो गया, और आपकी चाय पी के तो मजा आ गया। बताओ राहुल, मेरे हाथ से बनाई हुई चाय में कोई कमी तो नहीं है? अच्छी लग रही है चाय। और लालू जी, योगी जी, अखिलेश, अरे ये बिस्किट और नमकीन भी खाओ। चाय के साथ मैंने बिस्किट और नमकीन भी खाट पर रखे हुए हैं। देखो अखिलेश, बिस्किट और नमकीन दूसरी वाली खाट पर सबको दे दो। अरे मोदी जी, आपने भी बिस्किट और नमकीन वहाँ पर रख दिए अखिलेश और राहुल के पास। वो दोनों अकेले ही अकेले खा रहे हैं बिस्किट नमकीन, इधर बढ़ा ही नहीं रहे। अखिलेश इधर लाओ बिस्किट। अरे लालू जी ज्यादा बातें मत मिलाओ, 3 बिस्कुट तो मैं आपको उठा के दे चुका हूँ। और आप कह रहे हो कि राहुल और मैं ही खा रहे हैं बिस्किट नमकीन, आपको सबको नहीं दिया मैंने बिस्किट उठा उठा के? अरे मोदी जी, कितनी देर में हमें चाय दोगे? सब एक एक बार चाय पी चुके, हमें एक कप भी चाय अभी नहीं मिली है। और बिस्किट नमकीन भी आपने राहुल अखिलेश की तरफ रख दिए, जबकि ज्यादा लोग इधर बैठे हुए हैं। इधर रखवाओ बिस्किट नमकीन। अरे योगी जी थोड़ी देर रुको रुको, सबको एक एक करके ही तो चाय दूंगा मैं। अब एकदम से केतली में से निकाल के चाय दे नहीं दूंगा मैं। और अखिलेश, अभी मैंने तुमसे कहा या तो बिस्किट नमकीन उधर रख दो या यहीं से उठा उठा के देते रहो। अरे मोदी जी, मुझे तो बिस्किट नमकीन से कोई लेना देना नहीं है, एक कप तो आपकी चाय पी चुका, एक कप चाय और दे दो। बहुत ही बढ़िया चाय बनाई है आपने, बिस्किट नमकीन तो कुछ नहीं है आपकी चाय के सामने। अरे मोदी जी, हमसे क्या बैठने को भी नहीं कहोगे? सारी की सारी जगह तो इन लोगों ने घेर रखी है, कहीं खाट पर बैठने तक की जगह नहीं है। क्या मैं खड़े ही खड़े चाय पीऊं? बताओ। अरे कैसी बात करते हो राजनाथ सिंह जी, इधर आके बैठ जाओ अखिलेश और राहुल के पास। राहुल, बिस्किट नमकीन को जरा एक तरफ कर लो, इधर काफी जगह है, इधर आगे बैठ जाओ राजनाथ सिंह जी। अरे मोदी जी, हम भी तुम्हारे पीछे खड़े हुए हैं, हमें मत भूल जाना। कहीं तुम सामने सामने सबको चाय दे दो, मैं पीछे बैठा हुआ हूँ, मुझे भूल जाओ। उमेशी जी, जब मैंने तुम सबको इतने प्यार से बुलाया है तो किसी को चाय देना मैं भूल सकता हूँ? ऐसा हो जाएगा? बेफिक्र रहो, सबको चाय मिलेगी। और मैं लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। राहुल, अपने ठेले को तेजी से चलाओ। तेजी से कैसे हल्के हल्के चला रहे हो, कम से कम मुझे तो निकलने दो। अरे मोदी जी, एक बात समझ में नहीं आती है, आप मुझसे ज्यादा मटके साइकिल पर लात कर कैसे इतनी तेजी से चल लेती हो? मैंने तो इतना महंगा ठेला ले रखा है, फिर भी इतने मटके नहीं लात पाता मैं अपने ठेले पर। तुम अपनी साइकिल पर मेरे ठेले से ज्यादा मटके रख लेती हो और मुझसे तेज भी चलती हो। अब देखो मुझे रास्ता देना पड़ रहा है, तुम आगे निकल जाओगी मुझसे। राहुल, मटके रखने का तरीका होना चाहिए। साइकिल पर क्या, मैं अपने सर पर भी इससे ज्यादा मटके रख सकता हूँ। और एक बात मैं तुम्हें साफ साफ कह देना चाहता हूँ, आज तुम मटके उस गांव में बेचने के लिए मत जाना जिस गांव में मैं जाऊँ। देखो भाई मोदी जी, साफ साफ कह देता हूँ, अपना मटका मजदूर है, मटके बनाकर गांव गांव जाकर बेचती है। अब मैं किस गांव में कब निकल जाऊं ये मुझे पता थोड़ी है। अब तुम बताओ, तुम कौन से गांव में जाओगे बेचने के लिए मटके? मैं तो फिलहाल बराबर वाले गांव में जा रहा हूं, लेकिन वहां बात को बेचूंगा। पहले ये देखो अखिलेश और योगी जी आ गए। अरे मोदी जी, अभी सही से सर्दी गई भी नहीं और मटके अभी से बेचने लगे आप। आपसे मैंने पिछले साल एक मटका खरीदा था, उसमें अगर पानी रख दो गर्मी में सुबह भरकर तो शाम तक ठंडा रहता है, बहुत अच्छे मटके बेचती हो आप, लेकिन वो मटका फूट गया। अरे अखिलेश, मटका फूट गया तो हम किस लिए, नया मटका दे देते हैं तुम्हें। चलो बिक्री की शुरुआत तुम्हीं से कर देते हैं, एक मटका दे दूं। अरे अखिलेश, एक मटका हमसे भी लेके देखो, मोदी जी से ज्यादा ठंडा पानी ना रहे हमारे मटके में तो कहना। अच्छा राहुल, तुम मटका कितने का बेच रहे हो? तुम अपने मटके का रेट बताना। सिर्फ 50 रुपए का एक मटका योगी जी, ले लो मेरा मटका। और मोदी जी, तुम कितने का बेच रहे हो अपना मटका? मैं योगी जी 60 रुपए का एक मटका बेच रहा हूँ, 60 रुपए का। अरे मोदी जी, तुम 10 रुपए महंगा क्यों बेच रहे हो अपने मटके को? राहुल 50 का बेच रहा है, तुम 60 का बता रहे हो। योगी जी 50 रुपए का तो मटका हम भी देना जानते हैं, हम भी दे देंगे, लेकिन इतना बड़ा होगा जितना बड़ा राहुल का है। मेरे मटके बड़े बड़े हैं, देखो कितना बड़ा मटका है मेरा। राहुल का मटका छोटा है, उसमें कम पानी आएगा, मेरे मटके में ज्यादा पानी आएगा। ये बात तो है योगी जी, मोदी जी का मटका थोड़ा बड़ा है और राहुल का थोड़ा छोटा मटका है। मोदी जी, मैं मटका आपसे खरीदूंगा, लेकिन थोड़ी सर्दी कम हो जाए गर्मी में खरीदूंगा, अभी तो अगर लेके रख लो फूट सकता है। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे योगी जी, राहुल अखिलेश, बहुत दूर से पानी लाना पड़ रहा है, बहुत दूर से, बिल्कुल पैर थक गए पानी लाते लाते। क्या करा जाए, अपने गांव में तो सारा का सारा पानी खत्म हो गया। अरे मोदी जी, खत्म होगा नहीं पानी गांव में, सूखा देख रहे हो, कितना खतरनाक सूखा पड़ा है गांव में, सारे के सारे नल सूख गए, बिल्कुल पानी आ ही नहीं रहा है नलों में। अब 5 किलोमीटर दूर जाकर 4 गांव पार कर पानी लाना पड़ रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हो अखिलेश, अब जिस गांव के कुएं में से अपना पानी ला रहे हैं वो
कुआं भी सूखने वाला है। उस कुएं में बस थोड़ा सा ही पानी बचा है क्योंकि पूरा का पूरा गांव अपना वही पर पानी लेने के लिए जा रहा है। अरे मोदी जी, मैंने सुना है कल जो एक बाल्टी पानी भरकर जो अपना लाए थे वो तुमने बेच दिया। पानी कितने रुपए का बिका है एक बाल्टी पानी? पहले योगी जी ये बताओ, ये पानी बेचने वाली बात बताई किसने आपको? किसने बताई उसका नाम बताओ। हाँ मैं तो सारा का सारा पानी बेच देता हूँ, जो भी लाता हूँ कुएं से भरकर। मैं तो दूसरे गांव से पानी लाकर पानी बेचकर मजदूरी अच्छी कर रहा हूँ। अरे मोदी जी, हमसे कोई पानी नहीं खरीदता है, सारा का सारा पानी हम ही को पीना पड़ता है। जो भी लाते हैं हम, हमारी पानी से कोई मजदूरी नहीं हो पा रही है। राहुल, गांव में देखो देखो कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरे गांव से पानी नहीं ला सकते तो वो पानी खरीद लेती हैं। अरे एकाध नाम हमें भी बता दो, ऐसे कौन से लोग हैं दूसरे गांव नहीं जाते पानी लेने के लिए, वो पानी अपनों से खरीद लेते हैं, कौन लोग हैं वो? देखो लालू जी, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं पानी उन्हीं भाई नहीं बेचता हूँ। वो तो योगी जी से मैंने यूं ही मजाक में कह दिया कि मैं पानी बेचता हूँ, मैं पानी नहीं बेचता हूँ। जिसे इस सूखे में पानी नहीं मिल पा रहा है उसे मैं पानी फ्री में पिला देता हूँ। अरे मोदी जी, ये तो आप बहुत बढ़िया काम करते हो, मैं भी यही करता हूँ। प्यासे को पानी पिलाना बहुत पुण्य का काम होता है। हाँ मैंने कुछ दिन पानी लाकर बाल्टी में बेचा था, मजदूरी करी थी पानी की, लेकिन अब मैं पानी को नहीं बेचता हूँ, मैं जो प्यासा होता है मैं भी उन्हें पिला देता हूँ। अरे बिल्कुल सही कह रहे हो केजरीवाल, मैं भी अब ऐसा ही करा करूंगा। जितना पानी पीने के लिए मुझे चाहिए होगा उतना मैं बचा के रख लूंगा, बाकी जिसे जरूरत होगी पानी पीने के लिए मैं उसे दे दूंगा फ्री में। भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। राहुल, तुम थाली लेके क्यों नहीं आते हो? तुम्हारा रोज का ये नाटक है, आज तो मैं तुम्हें थाली में खिला देता हूँ, लेकिन कल से अपनी थाली लेके आना, कह देता हूँ मैं तुमसे। अरे क्या बताऊँ मोदी जी, मैं थाली घर से लाना भूल जाता हूँ। आज घर जाके मैं अपने स्कूल बैग में सबसे पहले थाली ही रखूंगा। वैसे राहुल, स्कूल में दाल चावल आज के बहुत अच्छे बने, लेकिन ये क्या, अपना दोनों को एक बराबर दाल चावल मिले हैं अपनी थाली में, लेकिन तुम ज्यादा खा रहे हो मैं कम खा रहा हूँ। अरे मोदी जी, मैं कहाँ ज्यादा खा रहा हूँ, आपके बराबर ही तो दाल चावल खा रहा हूँ। अरे मोदी जी एक बात सुनो, ये योगी जी और अखिलेश तो बराबर वाले स्कूल में पढ़ते हैं, ये अपने स्कूल में खाने के लिए कैसे आ गए? अरे राजनाथ सर जी आ गए। अरे योगी जी और अखिलेश, तुम हमारे स्कूल में तो पढ़ते नहीं हो, तुम तो बराबर वाले स्कूल में पढ़ते हो, यहाँ पर खाना खाने कैसे आ गए? तुम्हारे स्कूल में खाना नहीं बना है? वो तो मैंने ड्रेस से पहचान लिया कि तुम्हारी ड्रेस अलग है, तभी मैं भागा भागा चला आया तुम्हारे पास। अरे राजनाथ सर जी, हमारे स्कूल में खाना तो बना था, हम अंदर क्लास में ही बैठे रह गए, मैं और अखिलेश। जब हम बाहर आए तब तक स्टूडेंट सारा खाना खा चुके थे, तो हमने सोचा कि आपके स्कूल में खाना इस टाइम खिलाया जाता होगा, वहीं पर खाना खाते। लेकिन योगी जी, हमारे स्कूल में खाना नाप तोल कर बनता है, जितने स्टूडेंट आते उतना ही हम खाना बनाते। अब तुम दो लोग बाहर से बढ़ गए हमारे स्कूल में, तो हमारे स्कूल में खाना कम नहीं पड़ जाएगा? अरे ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो राजनाथ सर जी, हम आज आपके स्कूल में खाना खा लेते हैं, आज के बाद फिर नहीं खाएंगे। चलो कोई बात नहीं है, आज खाना खा लो, लेकिन कल से ध्यान रखना। और वैसे हमारे स्कूल के खाने में कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? मुझे दिक्कत है राजनाथ सर जी। क्या दिक्कत है लालू जी, तुम्हें बोलो। अरे आप स्कूल में इतना कम खाना बनवाते हैं कि हम आधे भूखे रह जाते हैं, आधा ही पेट भर पाता है हमारा, खाना थोड़ा ज्यादा बनवाओ। अरे लालू जी, अगर खाना थोड़ा ज्यादा बनवा लेते हैं हम तो बच जाता है, खराब होता है, तो इसीलिए हम खाना थोड़ा कम बनवाते हैं जिससे के बचे नहीं। अरे राजनाथ सर जी, लालू जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो इतना भी कम खाना मत बनवाओ जिससे के हम भूखे रह जाएं, इसीलिए स्कूल का खाना थोड़ा ज्यादा बनवाओ। चलो कोई बात नहीं है, कल से स्कूल में तुम्हें ज्यादा खाना मिलेगा। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।